गांधारी और धृतराष्ट्र आपको क्या मैसेज देते हैं? यदि मां गांधारी जैसी है और बाप धृतराष्ट्र जैसा है तो बेटा दुर्योधन जैसा होगा। महाभारत की प्रत्येक घटना हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी सबक है, शिक्षा है। बाप कैसा ना हो, धृतराष्ट्र जैसा बाप किसी का ना हो। कैसे, क्यों? देखो, धृतराष्ट्र उस समय ऊपर बैठे थे सभा में, राज सिंहासन पर बैठे थे। बाप बैठा है राज सिंहासन पर, राज गद्दी पर, और बेटा भरी सभा में एक खुद की भाभी के कपड़े उतार रहा। द्रौपदी कौन है? सगी भाभी है। तो भाभी हमारे यहां मां समान होती है, क्यों जी? भारतीय परंपरा में भाभी को क्या कहते हैं? मां, भाभी मातलम, भाभी मां। अब भाभी के कपड़े उतारे जा रहा है दुशासन। अब आप ही बताइए कि जिस सभा में बाप बैठा हो, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हो, पितामह बैठे हो, उस सभा में कोई अपनी भाभी के कपड़े उतारने की का दुस्साहस कैसे कर सकता है? तो यहां पर रोकना था कि नहीं? तुम राजा थे, धृतराष्ट्र राजा थे, तो राजा के नाते, और वो पुकार भी रही है प्रजा के नाते द्रौपदी की, मेरी रक्षा करो, बचाओ, पर कोई नहीं बचाया। क्यों नहीं बचाए? क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र मोह में पागल थे। बेटा कुछ भी करे, बस मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, बस बेटा है। अच्छा, आपको बताऊं, माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी भी है एक बार। पता है कब उतारी है? जब 99 पुत्र मारे गए, एक बचा दुर्योधन, तो क्या बोला? कल तुम सारे कपड़े उतार के आ जाना मेरे पास, निर्वस्त्र होके आना, मैं तुम्हें देखूंगी तो मेरी दृष्टि जहां जहां पड़ेगी तुम्हारा वो शरीर वज्र का हो जाएगा, अमर हो जाओगे तुम। तो दुर्योधन चला, तो फिर भगवान मिल गए रास्ते में। ऐसे ही जा रहा था निर्वस्त्र होके, भगवान बोले कहां जा रहे हो? बोले मां ने बुलाया है। बोले कपड़े उतार के आ जाना। भगवान बोले मां ने बुलाया, अब तो घोड़ा हो गए हो, इतने बड़े, छोटे से थोड़ी हो, निर्वस्त्र होके जा रहे हो, कुछ तो पहन लो। नहीं, मां ने मना किया है, कुछ ना पहन के आना। भगवान बोले अच्छा, एक काम करो, कपड़े पहनने के लिए मना किया है, मैंने केले के पत्ते की टॉवल बनाई है। भगवान तो भगवान है, केले के पत्ते की टॉवल ढकवा दी। अब केले के जब गया लपेट के, तो माँ ने कहा कोई कपड़े वपड़े तो नहीं है? ना ना, कपड़े नहीं है। माँ ने आंखें खोली, सोचिए, गांधारी ने पट्टी हटाई, और पट्टी हटाई किसे बचाने के लिए? दुर्योधन को बचाने के लिए। वो दुर्योधन जो भरी सभा में महिलाओं के कपड़े उतारता है। माता गांधारी ने पट्टी तो उतारी, लेकिन दुर्योधन को बचाने के लिए उतारा। यदि ये पट्टी द्रौपदी के लिए उतार दी होती तो 100 के 100 बच्चे सलामत रहते, बच जाते। कई बार निर्णय लेने में आप देर कर देते हैं, निर्णय लेने में, सही निर्णय लेने में इतनी देर हो जाती है कि समय हाथ से निकल जाता है। इसलिए गलत निर्णय सारी जिंदगी सताएगा, रुलाएगा, और सही निर्णय सारी जिंदगी प्रसन्न रखेगा। इसलिए जीवन में सही डिसीजन लेना सीखिए, और सही वक्त पर सही डिसीजन लेना सीखिए। गांधारी ने पट्टी उतारी, पूरा शरीर वज्र हो गया, पर जांघों में नजर ना पड़ी क्योंकि ढका था, तो वो जांघें कमजोर रह गई। इसलिए भीम भैया ने जांघों पर फिर गदा मार करके दुर्योधन को जांघों को तोड़ा, नहीं तो मर ही नहीं रहा था।